बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, साद मलिक चैनल के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप अपनी बतखों को कब और कैसे अंडों पर बिठाएं, और इंशाल्लाह इसी वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि बतख के अंडे कैसे हैच होते हैं और ये कितने दिन बाद हैच होते हैं। तो चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं। उससे पहले जिन दोस्तों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। तो दोस्तों, इस सीज़न में हमारे पास 6 फीमेल और 4 मेल थे। हमारी बतखों ने टोटल जो अंडे दिए वो 54 दिए। तो हमारी जो बड़ी बतखें थी वो दोनों पहले कुड़ुक हो गई, और उनके जो बच्चे थे पिछले साल के वो 5-6 दिन वक्फे के बाद कुड़ुक हुई। तो दोस्तों, जब भी आपकी बतख कुड़ुक हो तो आपने फौरन से उसके नीचे अंडे नहीं रखने, 2-3 दिन का वक्फा लाजमी करना है, क्योंकि बतख पहले 2-3 दिन अंडों पे सही तरह नहीं बैठती, बार बार उठती है। तो दूसरे नंबर पर बात कर लेते हैं, अगर तो आपके पास एक ही बतख है फिर तो कोई मसला नहीं, बतख को जहाँ चाहें आप बिठा सकते हैं। अगर आपके पास एक से ज़्यादा बतखें हैं तो दोस्तों कोशिश ये करें कि बतखों को अलग अलग जगह पर बिठाएं, क्योंकि ये बतखें एक दिन सब अंडे स्टार्ट नहीं करती, 2-4-5 दिन का वक्फा ज़रूर होता है। इसी तरह बतखों में कुड़ुक होने का भी वक्फा होता है। एक बतख 5 दिन पहले कुड़ुक होगी, दूसरी बतख 5 दिन बाद कुड़ुक हुई, तो जो पहली बतख होगी वो बच्चे पहले निकालेगी, दूसरी बतख उन बच्चों को देखकर मुतासिर होगी और अपने अंडों को छोड़ देगी। तो दोस्तों, इस दफ़ा हमने एक गलती की है, हमने 5 बतखें एक साथ बिठा दी। हमारी जो पहले की 2 बतखें थी वो इन बतखों से 7 दिन पहले बैठी थी। जब उन्होंने बच्चे निकाले तो दूसरी बतखों ने उन बच्चों को देखकर अपने अंडों को छोड़ दिया। अल्लाह का शुक्र है, हमारे पास तो इनक्यूबेटर मौजूद था, हमने बकाया वो सब अंडे उठा के वो हमने इनक्यूबेटर में लगा दिए। तो देखते हैं कि बकाया कितने बच्चे निकलते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में वो आपको ज़रूर दिखाएंगे। तो दोस्तों, इन बतखों के जो बच्चे हैं वो 34 दिन के बाद निकलते हैं। पिछली वीडियो में कुछ दोस्तों ने कमेंट में कहा कि सर 28 दिन के बाद इनके बच्चे निकलते हैं, तो मेरे भाई वो छोटी बतखों के ज़रूर होंगे, लेकिन इन बतखों के जो बच्चे हैं वो 34 दिन के बाद ही निकलते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह 3-4 साल हमें हो गए हैं बतखें रखी हुई है, इंशाल्लाह हम वही मालूमात देंगे जो सही मालूमात होंगी। अपनी वीडियो बनाने के लिए आपको गुमराह इंशाल्लाह नहीं करेंगे। उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।